बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के दौरान मंगलवार को महानगर के MSI इंटर कॉलेज में ढाई अक्षर प्रेम के शीर्षक के माध्यम से कबीर की वाणी को दोहराया गया ताकि समाज में शांति और सौहार्द का माहौल कायम रहे। और ये कृष्णा ही हमारी ताकत है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, शायद इस धरती पे हमें नाथ को देख करके आप हमारे भविष्य के प्रकाश स्तंभ है। जैसा आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़ी बात की, आप जहां पे जाएंगे, मैं बात यहां पे शुरू कर रहा हूं तो मेरा जो मन है थोड़ा सा इमोशनल हो जा रहा, थोड़ा भावुक हो जा रहा है और कारण ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बार की जो यात्रा है थोड़े लंबे अंतराल के बात हो रही है, ज्यादातर हम फरवरी मार्च में करते हैं, इस साल की यात्रा 7-8 महीने देर से हो रही है और इस कारण से जो हमारे अभी आपने कलाकार देखे होंगे बुक से कबीर तक बैठ के बच्चे थे, कलाम साहब का ग्रुप का और भी हमारे दोस्त जो थे उनसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ और आज जब हम आपके सामने उनको गीत गाते हुए देखे तो मन भर आया। इस कार्यक्रम के बारे में बुद्ध से कबीर यात्रा के संयोजक एवं मुख्य संरक्षक डॉक्टर विनोद मल ने बताया। आज 22 नवंबर को मियां साहब इस्लामिया इंटरमीडिएट ऐतिहासिक एक जगह है, यहां से बुद्ध से कबीर तक का 5वीं आवृत्ति शुरू हुई है और अगले 5 दिनों तक यात्रा अलग अलग जिलों में जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य जैसा आप जानते हैं कि भाईचारे को बढ़ावा देना, हिंदुस्तान की विविधता में एकता के सिद्धांत को मजबूत करना, एक दूसरे की इज्जत करना, सब धर्मों और जातियों के लोगों को मिलकर रहना और ये सारा सब हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश की जो महान विरासत है, महान सांस्कृतिक दार्शनिक ऐतिहासिक विरासत है जिसमें बुद्ध कबीर गांधी विवेकानंद नानक गोरखनाथ आते हैं, उनकी बातों से उनके संदेशों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। यह संदेश हम ज़्यादातर सांस्कृतिक माध्यमों से देने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले सूफी गीत यहाँ पे गाए हैं जिससे कबीर का संदेश, मानवता का संदेश लोगों तक पहुँचाया गया। अभी बुद्ध से कबीर तक बैंड परफॉर्म कर रहा है, वह बैंड भी भाईचारे के गीत गाता है, कबीर के निर्गुण गाता है और इंसान इंसान की बराबरी की बातें करता है। यही बातें अगले 5 दिनों में हम महाराजगंज, बड़हलगंज, देवरिया और गोरखपुर में करते रहेंगे और इस मुहिम को बुद्ध से कबीर तक जो एक भाईचारे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान के संविधान को मजबूत करने का प्रयास है, ये हम प्रयास करते हैं।